नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ। एक ऐसा वीडियो शायद जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन सचमुच में आज का ये वीडियो मेरे अब तक के हर एक वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने इस वीडियो को अपने दिल में ले लिए तो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकती है और आप ना जाने कितनी सैकड़ों जिंदगियों को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है द सीक्रेट नाम की एक बुक पे। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने द सीक्रेट नाम की एक बुक के बारे में डिस्कस किया था, और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे लोगों ने बोले कि भाई ये द सीक्रेट क्या है। इंस्टाग्राम में भी मुझे लोगों ने लिख के भेजा कि द सीक्रेट के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दो, कि कैसे आप एक बुक की मदद से अपने आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर सब कुछ बदल सकते हैं। पास्ट बदलना तो किसी के भी हाथ में नहीं है। खैर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि द सीक्रेट बुक है क्या। दरअसल द सीक्रेट बुक 2006 में रोंडा ब्रेन नाम के एक ऑथर ने लिखी थी, और इस बुक को लिखने के बाद मतलब ना जाने कितने सैकड़ों या फिर हजारों लोगों की जिंदगी अब तक बदल चुकी है, और मैंने खुद पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस किया हूं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस द सीक्रेट की वजह से है। द सीक्रेट ने शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे बदलाव लेके आए हैं जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक बुक की वजह से उतने ज्यादा बदलाव आ जाएंगे। दरअसल 2006 में ये बुक लिखने से पहले 2004 में रोंडा के फादर की डेथ हो गई थी किसी वजह से, और फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं लगता था, कुछ अच्छा ही लगता था। तो उनके कोई पहचान वाले, शायद उनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने उनको एक बुक का नाम बताया जिसका नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस बुक को बोले पढ़ो ध्यान से, शायद इस बुक को पढ़ने से आपकी जिंदगी में बदलाव आए। रोंडा ने वो बुक को पढ़ना शुरू किया और सचमुच में उनके जिंदगी में बहुत बदलाव आए। वो पूरी निगेटिविटी से हट गई, डिप्रेशन लाइफ से पूरा खत्म हो गया, और जिंदगी में बस अब ऐसी इच्छा थी कि बस अब आगे बढ़ना है, अब सब कुछ मेरा है। उनके दिमाग में जब ये सारी चीज़ आई कि यार एक बुक पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो मैं क्यों ना एक बुक लिखूँ, एक अलग सी बुक लिखूँ जिसको पढ़कर लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सीक्रेट 2006 में, और ये जो बुक है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये वीडियो। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि उसके ऊपर निर्धारित होती, डिपेंड करती है कि आप क्या सोच रहे हो वो आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मैं आज से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा रिच रहूँगा, मेरे अकाउंट में आज से 5 साल बाद किसी भी कंडीशन में मुझे दिख रहा है 10 लाख रुपए, मुझे पता है 5 साल बाद मेरे अकाउंट में जितने भी आज पैसे हो, आप भले ही आपके अकाउंट में आज 1 करोड़ रुपए क्यों ना, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि 5 साल बाद मेरे अकाउंट में और 10 लाख रुपए ऐड हो ही जाएंगे, मुझे पता ही है, तो अपने आप हो जाएंगे। खैर, ये सुनने में एग्जाम्पल थोड़ा नॉर्मल किया, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि इस यूनिवर्स में अगर आप कुछ भी चीज़ दिल से मांगोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। ये कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दरअसल हमारे जो थॉट्स होते हैं उसको थिंग्स में बदलने की शक्तियाँ रखती है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दरअसल दोस्तों, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो आप लोग सोचेंगे जो हमारी सोच है वो किसी वस्तु में कैसे बदल सकती है, वो बिल्कुल बदल सकती है। क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, हमारे थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुने होंगे, मैंने भी अपने कई सारे वीडियो में बोला हूँ कि हमारा एक ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा वाली चीज़ों के पास जो होती है पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं। अगर मेरा नेगेटिव ऑरा होगा तो नेगेटिव लोग ही मुझसे अट्रैक्ट होंगे। वैसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, या फिर कहो कि उनका भी एक ऑरा होता है जो उसी चीज से मैच होने वाली चीजों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन से चाहता था कि मुझे भाई फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, मुझे कुछ नहीं पता था, और आज मैं वहीं पर हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मेरे सितारे कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गए क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी ही वो चीज़ की थी। मुझे दिमाग में बस एक ही चीज़ पता थी, एक्टिंग एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग, नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री, यही चीज़ पता थी। यूनिवर्स में वो चीज़ अट्रैक्ट हुई। मैं इंजीनियरिंग में इतना अच्छा करने के बावजूद, बड़े बड़े जगह प्लेसमेंट होने के बावजूद, आज मैं इस फील्ड में हूँ क्योंकि मेरे ऑरा ने उस यूनिवर्स के वो चीज़ को अट्रैक्ट किया, तो वो मुझे मिल गया। ऐसे ही आप ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हो आप वो पा सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, जो मैं सोचता हूँ ना स्पेशल हूँ मैं जो सोचता हूँ मेरे साथ उसका उल्टा ही होता है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल उल्टा ही होगा ना, क्योंकि आपको माइंड में पता है कि भाई मैं अगर ये सोच रहा हूँ तो ये उल्टा होगा, तो वो आपके साथ उल्टा हो ही रहा है।
क्योंकि आपने यूनिवर्स को पहले ही सिग्नल दे दियो कि जो मैं सोचूंगा, जो मैं करना चाहूंगा, उसका रिजल्ट मुझे उल्टा ही मिलना है, तो यूनिवर्स भी आपको उसका रिजल्ट उल्टा ही देगी। देखो, यूनिवर्स को ये नहीं मालूम कि क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है कि मान लो कि मुझे 5 साल बाद सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं 5 साल बाद सक्सेस हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है सक्सेस होना, तो ना यूनिवर्स समझ जाएगा कि यार आप भले ही मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन 5 साल बाद आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यही कह रही है। लेकिन अगर आप ये डिसाइड करके बैठ जाओगे कि एग्जैक्ट 5 साल बाद देखना, मैं ये कर रहा हूँ और वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो अपने आप इस यूनिवर्स में चीज़ें डिज़ाइन होने लगेगी आपके हिसाब से। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ द सीक्रेट में ही नहीं, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो भी ये समझते होंगे कि गीता में भी ये लिखी गई है, और श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के सामने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया था और ये बताया था कि ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी मांगने की कोशिश करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है, किसी भी हालत में मिलता है। अब मैं अपनी बात करूं पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मैं द सीक्रेट के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैंने हालांकि सुना था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड थे, उसने मुझे द सीक्रेट बुक दी और बोले कि खाली इसको पढ़, और वो टाइम था मेरी निगेटिविटी वाला टाइम, मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव था लाइफ में, मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं कुछ अगर करना चाहता हूँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है। मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू किया और वो बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में निगेटिव तो कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव है। मेरे जो थॉट्स थे वो पूरी तरह से निगेटिव होना बंद हो गए थे, मुझे कुछ भी निगेटिव नहीं लगता था। अगर कुछ भी मेरे साथ गलत होता था ना, कुछ गलत मतलब बहुत गलत भी हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके पीछे ज़रूर मेरे आने वाले समय का कुछ फ़ायदा जुड़ा हुआ है, तभी मेरे साथ ये गलत हुआ है, या फिर मेरे साथ ये इसीलिए गलत हुआ है, शायद अगर मेरे साथ अच्छा होता तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरे थॉट्स इस तरह के हो गए, मेरे दिमाग से निगेटिविटी वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप 200 पेज की एक बुक पढ़ रहे हो जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी, सक्सेस, फेम, वो सब कुछ है जो आप करना चाहते हो जिंदगी में, तो आपके दिमाग में भी वही भर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप नेगेटिव इंसान के साथ रहते हैं, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो फेलियर है, सचमुच में इस बात को दिमाग में डाल लो, अगर आप कोई भी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो फेलियर है और हमेशा फेलियर ही की बातें ही करता है कि यार ये नहीं करना कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नहीं करना कोई फ़ायदा नहीं होगा, अरे ये करने से क्या होता है, नुकसान ही होना है, ज़िंदगी में उनके साथ रहोगे ना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो फेलियर लोगों से दूर रहो, निगेटिविटी भरे लोगों से दूर रहो, क्योंकि निगेटिविटी लोगों के इर्द गिर्द ना सिर्फ निगेटिविटी की ही फ्रिक्वेंसी होती है, निगेटिविटी का ही ऑरा होता है। वैसे ही द सीक्रेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी का ऑरा है। अगर आप उस थिंकिंग को, अपनी थिंकिंग को उस पॉजिटिविटी से भर देते हैं, तो अपने आप यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर सोच लिया कि अभी मुझे मेरे बाजू में एक आईफोन चाहिए, अभी आईफोन चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना। हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है और हर चीज़ मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जादू की छड़ी है वो भाई डिसाइड कर लिया और आपको मिल गया, नहीं। अगर आप दिल से चाहेंगे, दिल से एक टाइम फ्रेम बनाइए कि मुझे पता है मेरे पास 1 साल बाद आईफोन होने वाला है, आईफोन 12, आईफोन 13 जो भी आएगा, वो मेरे पास आईफोन का जो हाईएस्ट वर्जन है वो आने ही वाला है, और उस हिसाब से आप अपनी सोच रखिए कि हाँ मेरे पास आईफोन आएगा तो मैं ऐसा चलाऊंगा, ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, ऐसे उसमें गाने सुनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप इमेजिनेशन में चले जाइए, आप इमेजिन कर लीजिए कि हाँ आपके हाथ में है वो, आपके हाथ में सचमुच में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हवा में बोलने वाला वो कुछ नहीं होता है, जो चीज़ दिल से चाहो वो चीज़ मिल जाती है। खैर, अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग इतना डिटेल में समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि द सीक्रेट बुक ज़रूर खरीदो। अमेज़न में मिल जाती है, आपके नज़दीकी जो बुक स्टॉल होती है वहाँ से मिल सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कितनी सारी, शायद 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये द सीक्रेट बुक ने रोंडा की लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया, जहाँ पे रोंडा पूरे डिप्रेशन में चली गई थी, नेगेटिविटी से घिर गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, वहीं पर 2006 में जब द सीक्रेट बुक इन्होंने छापी, इसके लगभग, शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो 1.5 करोड़ कॉपीज हाथों हाथ बिक गई थी, और फिर ना जाने कितनी सारी लैंग्वेज में आ गई। और अभी ये कुछ ही समय पहले की बात है कि जो रोंडा थी ना, मतलब इस द सीक्रेट बुक की जो ऑथर थी, वो इस दुनिया के टॉप 100
मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो इंसान अपनी जिंदगी पूरी तरह से हार चुकी थी वो आज की दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन में से एक है। तो ये बहुत ज्यादा हैरान होने वाली बात है। रोंडा का ये कहना है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन हो गए और भी बहुत सारे लोग हो गए, उन्हें सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला पता था। बिल क्लिंटन हो गए, बिल गेट्स हो गए, इन सभी लोगों को पता था कि हमें सक्सेसफुल कैसे होना है। उनके दिमाग में कभी नेगेटिविटी थी नहीं, भले ही वो कितने खराब हालतों से गुजर रहे हों, लेकिन उन्हें पता था कि ये जो है ये एक समय है जो बीत जाएगा, आगे जो सक्सेसफुल की जो मंजिल है ना, जो सक्सेस की मंजिल है वो मेरा वेट कर रही है, तो मुझे बढ़ते चले जाना है। और उन्हें पता था कि मैं इतने टाइम फ्रेम के बाद सक्सेसफुल होने वाला हूँ। एक ऐसे बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो उनका नाम है जिम कैरी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि जिम कैरी ने ये कहा था कि उनको बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको काम नहीं मिल सकता, आपको कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पाएगा। जिम कैरी वही है जिनको ऑस्कर भी मिल चुका है। तो जिम कैरी ने क्या किया कि ऑडिशन देते थे, ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते थे, उन्होंने क्या किया एक चेक बनाया, उस चेक में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा, कुछ लाख डॉलर था, और बोले उसमें जो डेट थी वो डेट भी 5 साल बाद की डाले। ठीक है, अब एग्जैक्टली 5 साल बाद उन्हें एक मूवी में ब्रेक मिला और एग्जैक्टली उतने ही पैसे मिले जितने पैसे उन्होंने उस चेक में लिखे थे। वो चेक कब बनाया था उन्होंने, 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले उन्होंने डिसाइड कर लिए थे कि आने वाले 5 साल बाद मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं, अब चाहे दुनिया इधर की भी उधर हो जाए लेकिन मुझे मिलेंगे, और उनको मिले। तो ये होती है पॉजिटिविटी, तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस दिल में वो पॉजिटिविटी रखना और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, शायद थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और द सीक्रेट को ज़रूर आप सीरियसली लो, और मैं भी बहुत जल्दी वापस से उस बुक को परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरी बुक नहीं थी, फ्रेंड की थी। अब मैं परचेस करके देखूंगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहेंगे। और उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो नेगेटिविटी से घिरे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद आपके इस वीडियो शेयर करने की वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। मन में कुछ भी बात आती है, मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर फिर से कल एक और कमाल के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।